हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त पुष्पेंद्र सिंह। फिर से आपके सामने एक वीडियो लेके आ चुका हूं। तो आज है अपना 22 फरवरी 2022 और ट्यूसडे का दिन है। और आज अभी टाइम हो रहा है 7:30 बजे का। मैंने मॉर्निंग वॉक कर ली है और अभी मैं मतलब वॉकअप भी करके आ गया हूं। और अभी मैं थोड़ा सा आराम करूँगा, फिर घर जाऊँगा। तो दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा, अभी मौसम बढ़िया हो गया है और आप लोग अगर वीडियो को देख रहे हैं तो मॉर्निंग वॉक ज़रूर कीजिएगा। इससे आपकी हेल्थ वगैरह काफ़ी अच्छी रहेगी, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और जो आपका पूरा दिन है वो अच्छे से जाएगा। भले ही आप अगर दिन में टाइम हो, दिन में थोड़ा बहुत आराम कर लो, अदरवाइज आप 11 बजे भी सोते हो तो 6 बजे तक ठीक है सोना। उसके बाद आप 1 घंटे अपने लिए निकालिए दिन में, सो दैट कि आप स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें और अपनी मतलब लंबी उस तक जिए, मतलब लंबे टाइम तक आप जिए। और जीने वाली बात कोई नहीं है, बट ये है कि आप स्वस्थ रहें, सबसे अच्छी बात ये है। अदरवाइज़ क्या होगा, कभी आपकी लेग में दर्द होगा तो कभी आपके हैंड में दर्द होगा, कभी कहीं दर्द होगा, तो उससे बढ़िया है। मेरा अपना मानना है कि मेरे को बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब अगर मैं बहुत ज़्यादा भी जूँ तो 10 मिनट, अदरवाइज़ मैं अपने लिए हाफ एन आवर डेली का देता हूँ। अगर मैं इनकेस पार्क नहीं आता हूँ, वो नहीं आता हूँ, तो मैं हाफ एन आवर अपना जो है उसमें घर में मतलब झाड़ू हो गया, पोछा हो गया, वाइफ कभी नहीं लगा पाती है तो वो मैं करता हूँ, पूरा झाड़ू लगा देता हूँ। सो दैट कि मेरी क्या बॉडी हो, बॉडी मेरी क्या है, मूवमेंट हो जाती है। और बॉडी मूवमेंट होती है, पसीना आता है, तो उससे क्या होता है, आपका पूरा शरीर जो है मतलब एक मतलब रनिंग उसमें आ जाता है, मतलब इवनिंग तक रनिंग मोड में रहता है। ऐसा नहीं कि आपका मतलब आप लेट उठे, नहाए धोए, काम पे चले गए, फिर आपका पूरे दिन सुस्त रहेंगे आप जो है। तो इसलिए सबसे बढ़िया आप उठ के मॉर्निंग वॉक करिए, अपना घूमिए, पॉसिबल है रनिंग कर सकते हैं, अदरवाइज मॉर्निंग वॉक करिए 10 से 15 मिनट, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करिए। अभी मैं भी एक्सरसाइज करूँगा 15 मिनट कम से कम, क्योंकि अब गर्मी का टाइम स्टार्ट हो रहा है, मॉर्निंग जल्दी हो जाएगी तो मेरे पास भी टाइम रहेगा। सर्दी में मैं भी सिर्फ रनिंग करता था, नहीं करता था एक्सरसाइज, बट अभी मैं स्टार्ट करूँगा एक्सरसाइज। तो दोस्तों चलिए, मैं थोड़ा सा व्यू दे देता हूँ आपको पार्क का और सोसाइटी का, फिर चलता है घर और फिर अपना जो है वही डेली लाइफ स्टार्ट हो जाएगी। 9:30 बजे ऑफिस से निकलना है, उसके लिए पहले रेडी होना है, ब्रेकफास्ट करना है, फिर उसके बाद पूरा दिन ऑफिस में, और फिर इवनिंग में आना है तो थोड़ी थकावट सी हो जाती है, फिर अपना ये जो आपके लिए मैं वीडियो एडिटिंग वगैरह है वो फिर मैं करने लगता हूँ घर पर। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा व्यू। आज पार्क का व्यू बहुत अच्छा हो रखा है, आज फुहारा चल रहा है पार्क में, तो मैं दिखा देता हूँ आपको किस तरीके का हो रहा है। तो फ्रेंड्स, आप ये देख सकते हैं, पानी चल रहा है, फुहारा चल रहा है, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। मैं यहाँ पे सेटिंग पे बैठा हुआ हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये इधर कॉर्नर की सेटिंग है, यहाँ पे अपना बच्चे वो कर सकते हैं, अपना जो है दो बच्चे बैठ के ऊपर नीचे हो सकते हैं, उधर अपनी झूला है, उधर सेटिंग है, और उधर मैं दिखा देता हूँ आपको जो है, उधर भी अपना जो है एक्सरसाइज चल रही है, कुछ लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, और इधर आपका जो है पानी मतलब जो है आपका चल रहा है, आप देख सकते हैं। और इधर अपना जो है, मैं जो सेटिंग पे बैठा था वो ये वाली सेटिंग है आपकी, और अपना आप देख ही सकते हैं सारी चीज़ें मतलब आपके सामने हैं। यहाँ पे पानी चल रहा है, ये मतलब डेली चलता रहता है थोड़ा बहुत, इससे क्या होता है कि घास वगैरह मतलब ईजिली आपको जो है मतलब इसमें जमेगी और मतलब हरियाली होगा, क्योंकि अभी सर्दी के टाइम पे तो क्या होता है कि अपना जो है यहाँ पे घास ख़त्म हो चुकी है, तो अभी पानी चलाएंगे जितना ज़्यादा अच्छा रहेगा और उतनी घास ज़्यादा जमेगी, तो कुछ दिन में ये हरा भरा हो जाएगा। अभी गर्मी का टाइम जैसे जैसे स्टार्ट हो रहा है, आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपका पूरा व्यू आ रहा है। मॉर्निंग का भी टाइम है, 7:30 बजे हुए हैं, 22 फरवरी 2022 है, और इस वीडियो को जो मैं शूट कर रहा हूँ गुड़गांव से शूट कर रहा हूँ दोस्तों, ये दिल्ली NCR में पड़ता है। अगर कोई दूर से देख रहा है, दिल्ली NCR में ये हिस्सा आता है और अपना हरियाणा में ये हिस्सा आता है, हरियाणा हो गया अपना स्टेट और दिल्ली NCR में अपना गुड़गांव आता है, तो मैं भी गुड़गांव में हूँ। और बाकी की कोई मेरी पूरी हिस्ट्री जानना चाहता है तो मेरे चैनल पे जाके पूरा वीडियो देखें, मेरी हिस्ट्री पता लग जाएगी। और भी अगर कुछ जानना है मेरे बारे में और मिलना है कभी आप लोग दिल्ली NCR में आते हो तो मेरे को कमेंट में बताइएगा इंस्टाग्राम पे, और अपना जो है मेल आईडी मेरी दी गई है, मेरे को जो है मेल में अपना जो है रिप्लाई कर सकते हैं। वैसे तो सबसे बढ़िया आपका इंस्टाग्राम हैंडल मैं दे दूंगा, उस पर स्क्रीन पे दे दूंगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप उस पर जाके भी मेरे से कनेक्ट हो सकते हो। बाकी की दोस्तों चलते हैं, अपनी गाड़ी आज अपने पास नहीं है, कहीं गई हुई है, वो क्यों गई हुई है उसके लिए मैं डिटेल्स वीडियो लेके आने वाला हूँ बहुत जल्द आपके लिए। तो
आप भी मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर करें, सो दैट कि आपको क्या होगा कि उस तरीके की आपको वीडियो मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। अभी बहुत सारी वीडियो हैं जो पेंडिंग पड़ी हैं, सूट मेरे को करनी है। अभी पीछे मैंने ब्रॉडबैंड लगवाया था, उसका मतलब इंस्टॉलेशन वगैरह मैं सारा दिखा चुका था, बट उसमें एक चीज़ रह गई थी कि बिल वगैरह का, तो वो मैं अभी सूट करना रह गया है कि मेरा बिल कितने का आ रहा है। मैंने एयरटेल ब्लैक लगवाया है ब्रॉडबैंड, जो कि घर पे उसमें D2H भी लगा है और अपना ब्रॉडबैंड भी लगा है, और मैंने लैंडलाइन भी इसमें कनेक्ट कर लिया है, सब कुछ वर्किंग है। अब सिर्फ उसका बिल दिखाना है और बाकी की अपना जो है वैसे कोई दिक्कत नहीं, एक्सपीरियंस मैंने सारा शेयर कर दिया है। तो दोस्तों ये था अपना सारा वीडियो, मेरा घर आ चुका है, थोड़ा सा आगे यहाँ पे राइट में है। तो दोस्तों ये था, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं करूँगा इस वीडियो को, करते हैं ख़त्म। वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इस तरीके की वीडियो हमारे चैनल पे आपको मिलती रहेंगी। तो दोस्तों करते हैं इसी वीडियो को यहीं पे एंड। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।